न्यू अकेडमी ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। हम लोगों ने विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों टॉपिक के बारे में जान लिया था। आज की इस क्लास में हम लोग विकारी शब्द का जो लास्ट टॉपिक है क्रिया, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया यानी काम। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। तो हम लोगों ने भिखारी शब्द में तीन टॉपिक को कवर कर लिया है। पहला क्या था? संज्ञा, दूसरा सर्वनाम और तीसरा जो इसके पहले का वीडियो था वो क्या था? विशेषण। भिखारी शब्द में कितने हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज की इस क्लास में हम लोग भिखारी शब्द का जो लास्ट टॉपिक है इसको जानेंगे। तो क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। चलिए परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा देखिए क्या है। जिस शब्द से किसी कार्य के, जिस शब्द से मान लीजिए कोई शब्द है उससे हमें किसी कार्य के होने यानी मान लीजिए कोई कार्य हो रहा है या करने होने या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। तो एक बार फिर से देखिए परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए मोहन पढ़ता है तो इसमें क्या काम हो रहा है? मोहन पढ़ता है तो इसमें काम जो हो रहा है पढ़ने का काम हो रहा है। तो ये पढ़ता जो है ये क्या हो गया आपका? ये हो गया क्रिया। तो आप लोग परिभाषा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में पूछा गया था कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो आपको जब परिभाषा जितने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इन चारों का आपका परिभाषा आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में आपके पूछा गया था कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया था क्रिया। तो चलिए इतना हो गया, अब आगे देखते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मोहन पढ़ता है तो यहाँ पे पढ़ता है क्या हो गया? पढ़ना तो क्या हो गया? क्रिया हो गया। और एग्जाम्पल देखिए जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना ये सब क्या है? क्रिया है यानी काम है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। देखिए जैसे लिख, पा, जा ये क्या है? क्रिया के मूल रूप है। अगर इसी में हम लोग प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएंगे? यौगिक हो जाएंगे। देखिए धातु के कितने भेद होते हैं? दो। पहला क्या? पहला देखिए ये मूल धातु है। पहला क्या है? मूल। मूल धातु। और दूसरा यौगिक धातु। धातु के कितने भेद हैं? दो। एक पहला मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु। और जो ये है लिख, पा, जा ये क्या है? मूल धातु है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। एग्जाम में आपके पूछा गया था क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। देखिए जैसे लिख, पा, जा ये क्रिया के मूल रूप है और इसी को आप क्या बोलते हैं? इसी को धातु बोलते हैं। और देखिए अगर इसी में देखिए लिख, अगर इसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाए लिख ना, ना प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाए तो इसको बोलेंगे यौगिक धातु। योग का मतलब क्या होता है? यौगिक यानी जोड़ना, मूल यौगिक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मूल धातु और यौगिक धातु क्या होता है। तो देखिए जैसे लिख, पा, जा देखिए अगर पा में ना जोड़ देंगे प्रत्यय, पाना,
जामे जाना, तो ये क्या हो गए, यौगिक धातु हो गए। और ये वाला आपका जो है मूल धातु, और इसी मूल धातु को क्या बोलते हैं, मूल रूप को धातु बोलते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपकी परिभाषा लिखी गया, लिखा गया है मूल धातु और यौगिक धातु। देख लीजिए परिभाषा क्या है, वह धातु जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती है अर्थात जो स्वतंत्र होती है वह मूल धातु कहलाते हैं। तो अभी हमने ऊपर समझाया जैसे लिख पा, ये दूसरे पे निर्भर नहीं है, ये दूसरे पर निर्भर नहीं होती अर्थात जो स्वतंत्र होती है, ये क्या है, स्वतंत्र है। और उसके बाद क्या था, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखा गया है, जैसे जा खा पी रह कर बैठ चल, ये सब क्या है, मूल धातु हैं। अगर इसमें प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये वो क्या हो जाएंगे, यौगिक धातु हो जाएंगे। देखिए ये क्या है, स्वतंत्र है। देखिए यहाँ पे देखिए यौगिक धातु का भी परिभाषा दिया गया है, मूल धातु में प्रत्यय आदि लगाकर क्रियाओं का जो निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, यौगिक धातु कहते हैं। देखिए जैसे उठना से उठाना, पढ़ना पढ़ाना, ये सब क्या है, यौगिक धातु हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यौगिक धातु के कितने भेद हैं, यौगिक धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, चार प्रकार के। देखिए कौन कौन से, पहला क्या है प्रेरार्थक, दूसरा है संयुक्त, तीसरा है नाम धातु और चौथा है अनुकरण। अब प्रेरार्थक में आपका, प्रेरार्थक के कितने हैं, दो भेद है। पहला जो है प्रथम प्रेरार्थक, प्रथम प्रेरार्थक, प्रथम प्रेरार्थक, और दूसरा द्वितीय प्रेरार्थक। चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है। देखिए जैसे मैं पढ़ा रहा, पढ़ाना और पढ़वाना, देखिए पढ़ाना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। और द्वितीय में पढ़वाना यानी स्वयं पढ़ाना क्या है, इसमें स्वयं कर्ता काम कर रहा है, और पढ़वाना में देखिए पढ़वाना ये द्वितीय हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक पढ़ाना और द्वितीय प्रेरणार्थक पढ़वाना, प्रथम में कर्ता स्वयं काम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसकी परिभाषा देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की। देखिए क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कर्ता, यहाँ पे देखिए वर्तनी सुधार कर लीजिएगा, कर्ता कोई काम स्वयं ना करके किसी दूसरे को उसे कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेरार्थक क्रिया। तो हमने ऊपर बताया था कि प्रेरार्थक क्रिया के दो भेद हैं, एक प्रथम और एक द्वितीय प्रेरार्थक। प्रथम प्रेरार्थक जिसमें कर्ता स्वयं काम करता है, जैसे देखिए पढ़ाना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक हो गया, और पढ़वाना ये आपका द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। देखिए धातु में प्रत्यय लगाकर प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, देखिए जैसे सूरज अंत से पत्र लिखवाता है, यहाँ पे कौन सा क्रिया हो गया, प्रेरार्थक क्रिया हो गया, लिखवाना पढ़वाना ये सब क्या है, प्रेरार्थक क्रियाएं। अब आगे देखिए अगला है संयुक्त धातु। पहला क्या था प्रेरार्थक और दूसरा क्या है संयुक्त। देखिए जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हो उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त धातु। देखिए जैसे अनुपा गीता पढ़ने लगी, देखिए पढ़ने और लगी, तो यहाँ पे देखिए कितने धातु में हैं, दो धातु में हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, संयुक्त धातु। एक हो गया पढ़ना और दूसरा देखिए पढ़ने और लगी, इसमें कितने धातु में हैं, दो। अब अगला देखिए, अगला है नाम धातु क्रिया। नाम धातु देखिए जैसे
परिभाषा देखिए पहले क्या है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखिए जैसे सर्वनाम, जैसे देखिए सर्वनाम अपना, अपना क्या है सर्वनाम है, तो इससे इससे जब हम लोग क्या बनाएंगे, इससे जो बनने वाली क्रिया होगी क्या होगा, अपना से अपनाना। चिकना से चिकना क्या है विशेषण है, चिकनाना। के बाद देखिए हाथ से हथियाना और बात से बतियाना। तो एक बार परिभाषा देखिए फिर से, नाम धातु क्रिया क्या होती है, संज्ञा। देखिए जैसे ये क्या है संज्ञा है, उसके बाद देखिए ये क्या है सर्वनाम, और ये विशेषण। तीनों हो गए संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, शब्दों से बनने वाली। ये आपके संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्द हैं, इनसे बनने वाली, देखिए शब्दों से बनने वाली क्रिया। तो देखिए इससे क्या क्रिया बन रही है, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, अपना से अपनाना और चिकना से चिकनाना। बनने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया बोलते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है अनुकरणात्मक, यानी अनुकरण से। देखिए इसी परिभाषा देखिए क्या है अनुकरणात्मक क्रिया की, ध्वनियों के अनुकरण से, ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। देखिए जैसे खटखट से खटखटाना अनुकरण, यानी फॉलो, खटखटाना, खट खटाना। और दूसरा है थर थर से थर थराना, तो एक बार फिर से देखिए क्या है परिभाषा, अनुकरण क्रियाएं ध्वनियों के अनुकरण से, जैसे देखिए खटखट ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रियाएं क्या होती हैं, अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। देखिए जैसे खटखट से खटखराना, थर थर से थरथराना। उसी प्रकार देखिए थप थप और भिन भिन, इन दोनों का आप लोग बताइएगा क्या होगा, थप थप और भिन भिन, इनका आप अनुकरणात्मक क्रिया बताइएगा कमेंट में, इसका आंसर दीजिए। अब हम लोग देखेंगे कर्म रचना के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, एग्जाम में आपसे एग्जाम में ये पूछा गया था, कितने भेद हैं, दो, एक होता है अकर्मक एक होता है साकर्मक। अब चलिए यहाँ पे समझते हैं साकर्मक और अकर्मक का मतलब, आकर्मक यानी जिसमें कर्म ना हो, यानी कर्म रहित, और दूसरा साकर्मक, सा मतलब सहित यानी कर्म सहित, कर्म सहित यानी कर्म रहित मतलब कर्म जिसमें ना हो, और कर्म सहित यानी जिसमें कर्म भी हो, यानी कर्म भी हो, कर्म सहित और कर्म रहित। चलिए इसकी परिभाषा देख लीजिए, अकर्मक क्रिया जिस क्रियाओं जिन क्रियाओं का फल जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए जैसे ऋषभ रोता है, तो आपका ऋषभ कर्ता हो गया, रोता है आपका क्रिया हो गया, तो अकर्मक यानी जिसमें कर्म ना हो, इसमें कोई कर्म नहीं है, तो ये आपका कौन सा हो गया अकर्मक, यानी इसका जो रोता है इसका फल किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ना क्या है क्रिया है, पक्षी क्या है कर्ता है, तो इसमें कर्म नहीं है। उसी प्रकार रेलगाड़ी चलती है, चलती है क्रिया हो गया, रेलगाड़ी आपका कर्ता हो गया, हंसना क्रिया हो गया, राम आपका कर्ता हो गया, तो इसमें कोई कर्म नहीं है। अब अगला क्या है सकर्मक, सकर्मक सकर्मक में क्या होगा कर्म भी होगा। चलिए एग्जांपल से देखते हैं,
देखिए सकर्मा इसी तरीके से देख लीजिए, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर, उसमें क्या था, कर्ता पर पड़ रहा था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अकर्मक। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक में क्या होगा, कर्म होगा, उसमें क्या था, कर्म नहीं था तो उसका क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा था, इसमें क्या है, कर्म है तो क्रिया का फल किसे पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए जैसे मैं पत्र लिखता हूं, क्या लिखता हूं, पत्र लिखता हूं, तो क्रिया का फल किसे पड़ रहा है, कर्म पर। देखिए मैं आपका क्या हो गया, कर्ता, लिखता हूं कर्ता हो गया मैं, और लिखता हूं, लिखता क्या हो गया, क्रिया हो गया आपका, और ये पत्र क्या है आपका, कर्म हो गया, और ये जो लास्ट वाले हैं ये क्या है, सब सहायक क्रिया हैं। सहायक क्रिया ये क्या करते हैं, मुख्य क्रिया के रूप को स्पष्ट करते हैं। जैसे देखिए सूरज खाना खाता, इससे कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, सूरज खाना खाता है ये आपका क्या है, सहायक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सनी गाना गाता है, उसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है, अब देखिए सकर्मक के दो भेद हैं, पहला एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। चलिए समझते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो, देखिए नाम से ही स्पष्ट है एक कर्मक यानी एक कर्म। देखिए वह पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है आपका क्रिया हो गया, क्रिया हमेशा लास्ट में रहता है, क्रिया हो गया, वह आपका हो गया कर्ता यानी जो काम कर रहा है, पुस्तक आपका हो गया कर्म जिस पर काम हो रहा, क्रिया क्या है, जो काम चल रहा है यानी पढ़ना है, क्रिया हो गया जिस पर काम हो रहा है, पुस्तक हो गया, और जो कर रहा है वह यानी कर्ता हो गया। तो इसमें देखिए एक ही कर्म है तो इसको एक कर्मक बोलते हैं। उसके बाद है जितेंद्र ने खाना खाया, जितेंद्र ने खाना क्या हो गया, कर्म हो गया, खाया क्या हो गया आपका, क्रिया हो गया, जितेंद्र आपका कर्ता हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं द्विकर्मक, द्विकर्मक में क्या होगा, दो दो कर्म होंगे, दो कर्मों से युक्त होंगे, पर यहां से देख लीजिए आप लोग, लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए जितेंद्र ने, समझिएगा दो कर्म की इस परिभाषा देख लीजिए, द्वि कर्मक अर्थात दो कर्मों से युक्त, एक कर्मक में एक कर्म से युक्त, दो कर्मक में दो कर्मों से युक्त जो सकर्मक क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं उसे दो द्वि कर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए जैसे जितेंद्र ने सनी को पुस्तक, देखिए आपका एक कर्म ये हो गया फर्स्ट वाला, और दूसरा हो गया आपका सेकंड वाला, यहाँ पे आपका दो कर्म हो गया और दी आपका क्या हो गया, क्रिया हो गया, तो इसमें कितने हैं, दो कर्म हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब सहायक क्रिया लास्ट में है आपका, सहायक क्रिया। देखिए हमने अभी बताया था कि सहायक क्रिया क्या होता है, देखिए सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप को क्या करता है, स्पष्ट एवं और पूरा करता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे देखिए राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो देखिए राम कर्ता हो गया, पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया, आपका मुख्य क्रिया हो गया, और ये जो लास्ट वाला है ये आपका क्या है, सहायक क्रिया है, ये मुख्य क्रिया के रूप को क्या करता है, स्पष्ट करता है। नहीं तो भी इसको हटा दीजिए, राम पढ़ता स्पष्ट हो रहा है, राम पढ़ता है। देखिए एग्जाम्पल नीचे लिखा गया है, देखिए जैसे राम जाता है वह खाता है, ये सब क्या हो गए, सहायक क्रियाएं हो गई। उसके बाद दोस्तों एक और है पूर्वकालिक क्रिया, चलिए तो यहाँ पे समझ लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, पूर्व
कालिक पूर्वकालिक क्रिया। देखिए जैसे राम खाना खाकर गया, एग्जाम्पल से समझते हैं। राम खाना खाकर गया। देखिए पूर्व कालिक क्रिया, पूर्व कालिक क्रिया का मतलब क्या होता है? कोई काम है उसको पहले करके उसके बाद दूसरा काम करने लगना। देखिए जैसे देखिए राम खाना खाकर, समझिएगा राम खाना खाकर, तो खाना खाकर गया यानी पहले क्या, पूर्वकालिक यानी पहले का काम क्या था, खाना उसने खाया उसके बाद गया। तो आप लोग परिभाषा इसका बनाइएगा पूर्वकालिक क्रिया का, कि जैसे कोई काम है उसको पहले करके उसके बाद तुरंत दूसरा काम करने लगना, क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया होता है। जैसे देखिए राम खाना खाकर यानी पहले खाना खाया उसके बाद गया, इसे क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। तो दोस्तों आपका ये विकारी शब्द जो है समाप्त होता है, इसके बाद हम लोग अविकारी शब्द पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।